हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने जा रहा हूँ जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ शेयर से रिलेटेड। बट वो शेयर जैसे कि कंपनी ने स्प्लिट दिया था 1:5 का, ओके। एंड स्प्लिट के बाद वो शेयर आज लगभग 300 के समथिंग चल रहा है, और नए नए टारगेट आ रहे हैं, और कंपनी ने एक नई कंपनी को एक्वायर भी किया है। लगभग 75% स्टेक्स उस कंपनी में खरीदे हैं कंपनी ने, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। और फार्मा की कंपनी है, और फार्मा की कंपनी आपको पता ही है कि किस तरीके से आजकल चल रही है ड्यू टू जस्ट दिस पेंडामिक, ओके। एंड आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये कंपनी है, ओके, नए नए टारगेट डिफरेंट डिफरेंट एनालिस्ट ने इसके लिए सेट किए हुए हैं, तो कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, और कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, ओके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं इस कंपनी से रिलेटेड। बट बिफोर दैट, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं अपना डीमैट अकाउंट एक भरोसेमंद सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ, तो यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो रहा है, दूसरे लोग आपसे पैसा चार्ज करते हैं, बट यहाँ फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और जीरो डिलीवरी चार्जेज है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इस वीडियो के, तो आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और काफ़ी बेहतरीन इनका लेआउट है, ओके, एंड काफ़ी बेहतरीन इनका एप्लीकेशन है, और कहीं पर भी आप इनका एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी है क्या, कंपनी के क्या परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ओके, कंपनी का नाम तो आपको पता ही है, लॉरस लैब कंपनी है। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे 52 वीक लो, 252 रुपीज़ का ये यहीं पर 11 नवंबर को बनाया था, ओके। एंड 21 सितंबर को लगभग ये 1550 पे कंपनी चल रही थी, बट यहाँ पर स्प्लिट हुआ था शेयर, ओके। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ऐसा कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कंपनी ने 252 से अभी लगभग 300 समथिंग में कंपनी चल रही है, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो डिलीवरीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखेंगे ना, 60% की डिलीवरीज अभी भी यहाँ पर उठाती हुई नज़र आई है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखते हैं, तो कंपनी के प्रमोटर्स का 32.12% की हिस्सेदारी है, बाकी पब्लिक के पास है 67.88, जो कि मैं आपको आगे एलोबोरेट करके दिखाऊंगा कि इसके पास कितनी है। और कंपनी देखिए काफ़ी अच्छा, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखेंगे इंटरिम डिविडेंड, तो हर साल कंपनी डिविडेंड देती आई है, एज वेल एज 29 सितंबर, ओके, 29 सितंबर 2020 को यहाँ पर 10 रुपये का फेस वैल्यू 2 रुपये के फेस वैल्यू पर चेंज हुआ था, मतलब स्प्लिट किया गया था 1:5 से। किसी के पास अगर एक शेयर होंगे तो 5 में तब्दील हो गए होंगे। तो ये तो है कुछ और बात, और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट आपको दिखाना चाहता हूँ पहले लॉरस लैब। इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बनिए रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको इस पूरे वीडियो को एलोबरेट करके आपको मिल जाएगा, एज वेल एज कुछ न्यूज़ है वो भी आपको पता चल जाएगी। तो अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें ना, कंपनी 2016 में यहाँ पर लिस्ट हुई थी, ओके, एंड 2016 में 94 रुपीज़ का ये शेयर हुआ करता था। मल्टी बैगर साबित हुआ है, मल्टी बैगर का मतलब है मल्टी बैगर, मतलब इसने अगर हम बात करें ना ईयर टिल डेट की, ओके, तो कितने परसेंट के रिटर्न दिए आपको पता है? तो इस कंपनी ने आपको रिटर्न जो दिए है काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए है, लगभग 350 से 450% तक के रिटर्न इस कंपनी ने दिए है। और स्प्लिट जो दिया है वो अलग है, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए नज़र आए हैं। देखिए 1 डे का चार्ट पैटर्न देखेंगे नेगेटिव, 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखेंगे नेगेटिव, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे ना, तो अभी कुछ टाइम पहले 268 पे कंपनी चल रही थी, फिर भी देखिए स्प्लिट के बावजूद आपको 22% के रिटर्न इसने कंपनी दे दिया। स्प्लिट हुआ, स्प्लिट के बाद फिर कंपनी का शेयर डिवाइड स्प्लिट होता है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्प्लिट लेने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, बट फिर भी इसने 22% के रिटर्न यहाँ पर देते हुए नजर आए। तो देखिए इस यहाँ पर तो इसी कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा था, बट इसने फिर दोबारा ग्रो करने लग गया है। इस वजह से ये कंपनी में अलग अलग एनालिस्ट ने, अलग अलग ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स ने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो शेयर है आने वाले कुछ टाइम में, ओके, या कह सकते हैं विद इन 1 ईयर का काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको आगे भी दे सकती है। तो लॉरस लैब कंपनी का नाम है, करती क्या है लॉरस लैब, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लॉरस लैब इज़ ए इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी हेडक्वार्टर इन हैदराबाद। तो ये फार्मा से रिलेटेड कंपनी है, ओके, एंड आपको पता ही है फार्मा की सारी कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडामिक, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना इतनी भागी है, इतने मल्टी बैगर रिटर्न दिए, 600 600 700 700% के रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आए हैं।
फिनिशर डोसेस फॉर्म्स एंड सिंथेटिक बायोटिन। तो ये कंपनी जिसमें काम भी करती है ना, वो एक एपीआई के सेगमेंट में काम कर रहे थे। तो एपी और एपीआई एक आध का चीज़ों का नहीं, बहुत सारी चीज़ों का। तो एक एपीआई होता क्या है तो आपको बता देना चाहता हूँ। एपीआई का सिंपल सा फॉर्म, फुल फॉर्म है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब जो अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द के लिए आप डिस्प्रिन या फिर सेराडोन या कुछ भी एक गोली लेते हैं। ओके, तो उसमें जो जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, जो उससे सिर का दर्द खत्म हो जाता है, उसे कहते हैं एपीआई। तो उस सेगमेंट में एक कंपनी काम करती है, और ये ही कंपनी मेरे ख्याल से काफ़ी 17+ फार्मास एपीआई के सेगमेंट ये कंपनी बनाती है। तो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है। ओके, कुछ इससे रिलेटेड न्यूज़ भी आई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जो ये न्यूज़ है ना, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए टारगेट देखिए पहले, तो मोतीलाल ओसवाल बहुत बड़ा ब्रोकरेज है, उन्होंने क्या टारगेट दिया, 410 रुपये का न्यू टारगेट यहाँ पर दिया गया है। और भी लोगों ने और भी टारगेट दिया, और देखिए मल्टी बैगर साबित हुआ, 341% के ईयर टू डेट से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और कंपनी ने, एक कंपनी है लॉरस लैब, सीईओ से श्री रिचकोर लाइफ साइंसेज एक्विजिशन विल, मतलब इसने 75% यहाँ पर देखेंगे, सॉरी 72.55% स्टेक्स रिचकोर लाइफ साइंस में यहाँ पर एक्वायर कर लिए है। तो इसने एक मतलब कंपनी को एक्वायर करती जा रही है, एक कंपनी मतलब इतनी चली है, इतनी चली है। इसने अपने डेट कम कर दिया है, इसने अपने प्लेजिंग शेयर छुड़वाए हैं, एज वेल एज इसने कंपनी को ये 72 70 लाख कह सकते हैं, 73% तक के शेयर एक्वायर कर लिए हैं। तो आप देखिए, बल्कि स्प्लिट दे दिया है, शेयर होल्डर को भी पैसा दे रही है। तो कितना बेहतरीन कंपनी है नज़र आएगी। तो देखिए यहाँ पर, और जिस कंपनी को इसने एक्वायर किया है ना, इसका नाम है रिचकोर। तो मैं उसकी वेबसाइट पे हूँ, तो आपको देखिए, वी डेवलप नोवल एंजाइमेटिक सॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल बायो टेक्नोलॉजी एनिमल ऑरिजन फ्री, मतलब एनिमल का यूज़ ही नहीं करती है कंपनी। दी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंड एंजाइम फॉर बायो बायो फार्मा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट, अगर मैं इसका प्रोडक्ट आपको दिखाऊँ ना, तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, मुझे तो इतना नहीं पता क्योंकि आई डोंट बिलोंग टू द मेडिकल मेडिकल स्ट्रीम। तो इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट की दवाइयाँ यहाँ इनके प्रोडक्ट्स है। ओके, जो फार्मा से रिलेटेड है, और काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी देखिए नज़र भी आती है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स थोड़े से और चेक कर ले, तो आपको देखेंगे देखिए मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छा बढ़ा है इनका। और जो ये मार्केट कैपिटल यहाँ पर देखिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल एपीआई में ये काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जेनेटिक फिनिश डोसेज फॉर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च सर्विसेज। तो ये इस चीज़ में रिसर्च भी करती रहती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए। तो मार्केट कैपिटल मिड कैप कंपनी है, 17,632 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैपिटल है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। P/30 पे चल रहा है, ROCE ही 14% है, ROE 15% है। ओके, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी ने अच्छा क्वार्टर भी दिया है। सेल्स ग्रोथ की 10 साल से लगभग 25.10% की यहाँ पर सेल्स ग्रोथ भी दिखाई गई है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ओके, और यहाँ पर अगर हम देख लेते क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो यहाँ पर आप देखिए सेल्स, सबसे पहले हम यहाँ पर सेल्स देखते हैं, तो 474 करोड़ रुपीस के 2017 में थे, जो बढ़ते बढ़ते अभी लगभग, यहाँ देखिए पेंडेमिक में तो इसके चांदी हो गई थी, और अभी भी सितंबर की बात की जाए तो 1127 करोड़ रुपीस की सेल्स हुई है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 238 करोड़ रुपीस का यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि केवल 2017 में कितना था, दिसंबर क्वार्टर में 36 करोड़ से 238 करोड़। तो कंपनी कितने बेहतरीन रिजल्ट पेश करती आई है, ये आप देख सकते हैं। सेल्स की भी अगर क्वार्टरली ईयरली बेस पे भी बात की जाए, तो यहाँ पर देखिए सेल्स 2014 करोड़, 282 करोड़, और फिर यहाँ पर देखिए लगभग 3648 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर सेल्स होते हुए हमें नज़र आए हैं। ओके, एंड यहाँ पर भी अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए, अभी तक तो 587 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर मल्टीबैगर कंपनी साबित इसी वजह से हुई है। और अगर CAGR की बात की जाए, तो 1 साल का CAGR है 383%, जो कि बहुत मायने रखता है। और मैंने आपको बताया कि CAGR 30% से अगर आपके 10 लाख रुपए बढ़ते हैं ना, तो 30 साल में 10 लाख रुपए 100 करोड़ रुपए होते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो ऐसी कंपनी को ही हमें चूज़ करना है जो कम से कम हमें 30% के रिटर्न एनुअली देती हो, ताकि आपका पैसा 3 साल में डबल हो सके। और 3 साल में पैसा डबल हो जाता है तो आप काफ़ी अच्छा पैसा अपने वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार जो होता है ना, वेल्थ क्रिएट करने के लिए होता है, नॉट फॉर द डेली डेली ब्रेड।
तो अगर रिजर्व्स की बात की जाए कंपनी के, रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन हैं। 61 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स अभी, लगभग 2110 करोड़ रुपए के रिजर्व्स पर बैठे हुए। बोरिंग की बात की जाए तो कंपनी के पास 199 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग थी, जो बढ़ते बढ़ते लगभग 1029 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग हुई थी मार्च में, बट अभी भी यहाँ पर देखते हैं तो लगभग कंपनी ने 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा यहाँ पर कम कर दिया है अपनी बोरिंग में, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात होती है कर्ज को कम करना। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कंपनी ने लगभग 58 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और एसेट भी देखिए, जहाँ 334 करोड़ रुपीज़ की एसेट थी 2010 में, ओके 10 साल में इसने कम से कम तीन गुने से भी ज़्यादा यहाँ पर लगभग 4244 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर एसेट बनाती हुई नजर आई है। अगर देखिए अब आ जाते हैं शेयर, ये मैं आपको मेन दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर हम देखते हैं ना प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी बेहतरीन है, लगभग 32.12% की होल्डिंग है, जो कि कंपनी ने यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2017 में 30% की थी, और सेप्टेम्बर में भी लगभग 32.12% की हिस्सेदारी हमें नज़र आती है। डिफरेंट डिफरेंट प्रमोटर्स हैं यहाँ पर, आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टर भी देखिए कितने बुलिश है कि उन्होंने मार्च में 11% थे और लगभग डबल हो चुके हैं, 20% की हिस्सेदारी, 21% की हिस्सेदारी सितंबर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की यहाँ पर है। तो ओके, एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए गोल्डमैन, डिफरेंट डिफरेंट गोल्ड अमानसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट पेंशन फंड, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर FIIs यहाँ पर आए हुए हैं। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो डिफरेंट देखिए SBI, कोटेक, SBI, तो ICICI, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, सब कंपनियों ने इसमें पैसा लगा रखा है, पैसा ने लगाया और काफ़ी ने निकाल भी लिया, बट काफ़ी ने अभी लगाना भी शुरू किया है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास काफ़ी बेहतरीन है, और पब्लिक में भी देखिए ये जो लोग हैं ना, इन्होंने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी ले रखी है, 40% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। और इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि लगभग 16.12% की हिस्सेदारी अभी भी का जो प्रमोटर से 32 में से गिरवी रख रखी है, 32% की हिस्सेदारी ओवरऑल है, उसमें से 16% की हिस्सेदारी यहाँ पर गिरवी रख रखी है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने प्लेजिंग कर रखी है अपने शेयर को, कर्ज में रख रखे है, बट 25% तक चलता है, बट 25% से अगर ज़्यादा होता है तो कहते हैं कि ये काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है कंपनी को, तो वहाँ पर हमें चिंतित होने की ज़रूरत है। बट कंपनी ने अभी अपनी प्लेजिंग, इससे पहले आई थिंक 30 के प्लस थी, ओके, जो कि अब कंपनी ने अपनी प्लेजिंग कम करते करते 16 करोड़ रुपए की कर दी है, 16.42% की प्लेजिंग रह गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। कंपनी एक्वायर कर रही है अलग अलग कंपनीज़ को, एज वेल एज टारगेट डिफरेंट दिए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एनालिस्ट के थ्रू, तो इस कंपनी की तरफ आप नज़र बना के रख सकते हैं, आगे भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी नज़र आती है हमें, ओके, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट पेश होते हुए नज़र आए। बट ये एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए कंपनी ने यहाँ तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया था, यहाँ तक तो नेगेटिव में ही चल रही थी कंपनी, बस पेंडेमिक में इस कंपनी की किस्मत बदली है, इस वजह से ये भाग्य, वरना यहाँ पर देखे तो 4 साल में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिए थे, बल्कि नेगेटिव में ही कंपनी चल रही थी। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारी इस वीडियो बॉस हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अगर अकाउंट ओपन कराना है तो एंजल ब्रोकिंग के साथ करा लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।